वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज देखिए मुझे मिल गई है एस्फॉल्ट पेवर, इसे शायद यही नाम से बोला जाता है। ये है पूरा गाड़ी। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि रास्ते पे काम चल रहा था और मुझे ये गाड़ी थोड़ी देर के लिए मिली। इसमें क्या होता है वो तो मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन मुझे जो देखने में लगा वो है कि कुछ मिक्सिंग होता है, जो रास्ते का जो मसाला होता है वो शायद इसमें मिक्सिंग होता है या फिर वो डाला जाता है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो गाड़ी है ना वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस गाड़ी में बहुत कुछ है देखने लायक, लेकिन मुझे सब कुछ पता नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था भैया के पास। भैया काम के लिए जा रहे थे, ये रास्ते में काम हो रहा था, तो जितना उन्होंने मुझे बताया मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये जो सामने आप स्टिक्स जैसे देख रहे हैं उसको बोलते हैं गियर्स। इस गाड़ी में 6 गियर्स हैं, एक स्टीयरिंग है और 2 क्लच है। अब मुझे नहीं मालूम 2 क्लच है या फिर इसमें से एक एक्सेलरेशन है, लेकिन भैया ने कहा कि ये 2 ही क्लच है। तो चलिए जो भी है। और पैर में नीचे लेफ्ट साइड में आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और सामने ये जो छोटे छोटे चीज़ आप देख पा रहे हैं इससे गाड़ी लेफ्ट साइड राइट साइड होते हैं। एक्चुअल में मैं आज जा रही थी दूसरे गाड़ी के लिए, लेकिन वो गाड़ी मुझे मिली नहीं तो मैं थोड़ा बहुत दुखी हो गई थी। लेकिन ये गाड़ी जब मुझे रास्ते में मिली तो मैं उस गाड़ी को बिल्कुल भूल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर मैं उठी हूँ। मुझे इतना अलाउ तो भैया ने किया कि मैं थोड़ी बहुत चलाऊं या फिर बैठूं। तो देखिए उठने के लिए तो मुझे थोड़ा सा कसरत करनी पड़ी क्योंकि ये थोड़ा बहुत हाइट में था, लेकिन उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे क्वीन जैसा फील मुझे हुआ। एंड आफ्टर दैट मैंने ट्राई की कि गाड़ी में एक्सेलरेशन कहाँ है, ब्रेक कहाँ है जाने के लिए, तो भैया ने कहा कि ब्रेक तो नीचे है और एक्सेलरेशन उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो क्लच है इसको आप सामने की ओर खींचिए तो गाड़ी अपने आप जाएगी। तो मुझे लगा कि क्लच को खींचना मतलब शायद क्लच को मैं रिलीज़ कर रही थी, इसके वजह से गाड़ी जा रही थी और ये शायद फर्स्ट गियर में था क्योंकि इतना स्लो जा रही थी। बट हाँ, ये बात भी सही है कि रास्ता जो कंस्ट्रक्शन का जितने भी सारे व्हीकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से शायद नहीं जाता है, मैंने नहीं देखा है। मैंने जितने भी सारे देखे हैं बहुत धीरे धीरे चलता है। ये देखिए मैं जो क्लच है वो उन्होंने कहा था उसको मैंने सामने की ओर खींचा और उसके बाद वाओ गाड़ी तो चलने लगी। वाओ वाओ देखिए कितना अच्छी तरह से जा रही। तो यहाँ पर मैंने भैया को कहा कि आप थोड़ा बाहर से फ़ोटो लीजिए, लेकिन भैया ने ना सिर्फ और सिर्फ चक्का का ही लिया। लेकिन उसके बाद आप लोग डोंट वेरी, मेरा भी फ़ोटो लिए हैं बाद में भैया, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग लगा सच में। थोड़ा सा ही चलाए लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत ही प्यारा सा गाड़ी लगा बहुत। और इसका जो साउंड है ना वो मुझे सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए मैं भी हूँ, गाड़ी की टायर भी जा रही है, इसका मतलब मैं गाड़ी सच में चला रही हूँ। तो आप लोग इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का जो दिन था वो मुझे सच में बहुत बहुत अच्छा गया। आई होप कि आप लोग का भी दिन बहुत अच्छा जाएगा। सो फ्रेंड्स, एंजॉय दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय। आई गेट आउट।